राजधानी रांची के बिरला मैदान में राष्ट्रीय युवा शक्ति के द्वारा रांची विधानसभा में बदलाव के लिए राय शुमारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। इस राय शुमारी सम्मेलन के पीछे का उद्देश्य बताते हुए राष्ट्रीय युवा शक्ति के केंद्रीय अध्यक्ष उत्तम यादव ने कहा कि बंद कमरे में यह तय नहीं हो सकता कि रांची का जनप्रतिनिधि कैसा हो, इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से हमने लोगों से अपील की है कि इस सम्मेलन में भाग ले और रांची का भविष्य तय करें। देखिए, इसमें लिखा हुआ रांची विधानसभा हेतु राय शुमारी, बंद कमरे में तय नहीं हो कि रांची का जनप्रतिनिधि कैसा हो, इसलिए हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग अपील किए कि आइए बिरला मैदान, और बिरला मैदान में हम लोग बैठ के मिल के यह तय करें कि रांची का जनप्रतिनिधि कैसा हो। तो सब लोग चाह रहे थे कि उत्तम यादव चुनाव लड़े, तो हम बोले खुले मंच में सबको बुला देते हैं, जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। कल को यह ना कहे कि यह बंद कमरे में तय किया गया है, इसलिए सब लोग को बुलाए हैं। यह भीड़ जो तय करेगी, आप देख रहे हैं बड़ी संख्या के मेरे पीछे जो भीड़ दिख रही है, यह भीड़ तय करेगी कि उत्तम यादव को चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। लड़ना है तो इसी मंच से घोषणा होगा, और नहीं लड़ना है तब भी इसी मंच से हम लोग घोषणा करेंगे, क्योंकि रांची की स्थिति आप जिस सड़क से आ रहे होंगे देखे होंगे सड़क का हालत क्या है। जब फ्लाईओवर बन रहा है हर कोई स्वागत कर रहा है, लेकिन पहले जो रोड बनना चाहिए था वो रोड बना नहीं, सर्विस रोड बना नहीं, सर्विस रोड का स्थिति बद से बदतर है, बहुत बुरी स्थिति है। सोचिए गर्मी के दिनों में लोग पानी के लिए छटपटा रहे। बिहार सरकार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री जनक राम ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण को खत्म करने के राहुल गांधी के नापाक इरादे को भाजपा कभी कामयाब नहीं होने देगी। देश में एक परंपरा बन गई है कि चुने हुए प्रतिनिधि राहुल गांधी जब जब भारत में होते हैं सदन के अंदर और बाहर देश की गरिमा को तार तार करते हैं। मैं विदेश में राहुल गांधी के दिए गए बयान पर कहा कि राहुल संविधान और संविधान के प्रदत्त अधिकार आरक्षण को समाप्त करने की बात करते हैं। देश दुनिया में संविधान पॉकेट में लेकर घूमते हैं, जब जहां मौका मिला संविधान की कॉपी दिखा देते हैं, लेकिन इसे अध्ययन नहीं करते। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान को ताक पर रखकर देश को चलाने का काम किया। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त आरक्षण से आने वाले लोगों को बुद्ध कहा गया। यूपीए के शासनकाल में आरक्षण से छेड़छाड़ किया गया। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद कश्मीर से धारा 370 हटा दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बचाने का काम किया। एनडीए के सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी आरक्षण और संविधान के पक्षधर हैं। श्री राहुल गांधी जी के पिता राजीव गांधी जी ने आरक्षण से आने वाले लोगों को बुद्धू कहा, क्योंकि राजतंत्र से आने वाले ये लोग हैं। लेकिन ईश्वर का लीला देखिए कि राजीव गांधी जी के ही परिवार में श्री राहुल गांधी जी बुद्धू तो नहीं लेकिन पप्पू जन्म ले लिए। जो कब क्या बोलेंगे कहां बोलेंगे खुद को उनको मालूम नहीं चलता है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन को काल कोठरी में बंद कर दिया, ठंडे बस्ती में डाल दिया। और इतना ही नहीं, श्री राजीव गांधी जी ने 85 और 90 के दशक में उन्होंने तो इतना तक कह दिया कि आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। उसी कड़ी को बढ़ाते हुए आज श्री राहुल गांधी जी समय समय से देश के बाहर जब अमेरिका के धरती पर होते हैं तो संविधान के ऊपर उंगली उठाते हैं, आरक्षण के ऊपर उंगली उठाते हैं। उंगली ही नहीं उठाते हैं, स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आ गई तो संविधान के तहत जो अनुसूचित जाति जनजाति की भाइयों और बहनों को आरक्षण का अधिकार मिला है उस आरक्षण को स्वतः समाप्त हम लोग। ONGC बोकारो निगमित सामाजिक दायित्व मद से चंदन क्यारी प्रखंड के मोहाल पूर्वी पंचायत अंतर्गत दामोदर नदी में शमशान घाट एवं शेड निर्माण कार्य का शिलान्यास
पंचायत की मुखिया शीतल सिंह ने किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि गांव के विकास के लिए हमने कई विकास के काम किए, वहीं इस बहुप्रतीक्षित योजना के निर्माण से आसपास के कई गांव के लोगों को सहूलियत होगी। समुचित अभाव के कारण शवदाह के समय लोगों को कठिनाई हो रही थी। योजना के कार्यकारी संस्थान सुकन्या सामाजिक सहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट कमेटी के संस्थापक सह सचिव अमल दास ने इसके लिए ONGC के CSR प्रमुख का आभार जताया। ONGC के पहल से और हमारे मेरे खुद के प्रयास और हमारे सभी गांव के अभिभावकों के सुझाव से सूझबूझ से आज ONGC ने पहल किया है। बहुत दिनों बाद, इससे पहले ONGC का CSR से हमारे पंचायत में कोई काम नहीं हुआ था। ONGC की तरफ से एक शमशान शेड और घाट का निर्माण किया जा रहा है। ONGC के गिरिडीह के सदर विधायक सुदीव कुमार सोनू ने 10 करोड़ की लागत से 5 नई सड़क योजना का आधारशिला रखा। 10 करोड़ की लागत से सदर प्रखंड में बनने वाले जिन ग्रामीण सड़कों का सदर विधायक सोनू ने आधारशिला रखा, उसमें कई ऐसे भी योजना शामिल हैं जहां इससे पहले आवागमन का कोई साधन नहीं था, लिहाजा इन योजनाओं को लेकर ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक को पहले अवगत कराया। विधायक ने प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं को स्वीकृति दिलाई और इनका शिलान्यास किया गया। पुजारी के वैदिक मंत्रों के बीच विधायक सोनू ने शिलापट पर नारियल फोड़ा और शिलान्यास किया। आज गिरिडीह सदर प्रखंड की 5 सड़क योजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। लगभग 10 करोड़ की लागत से ग्रामीण अंचल में आवागमन को सुलभ करने हेतु हम लोगों ने सड़कों का शिलान्यास किया है। यहाँ पहुँचने पर ग्रामीणों की एक चिरपरिचित मांग भी फिर पुनः मेरे समक्ष दोहराई गई कि फुलची को पंडरी से जोड़ने के लिए उसी नदी पर एक पुल की नितांत आवश्यकता है। मैंने भी इनको आश्वस्त किया है कि चूंकि अब तो चुनाव का समय आ चुका है, इसलिए अभी यह बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन यदि सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग प्राथमिकता के आधार पर इसको करेंगे। और मुख्य रूप से मेरा यह मानना था कि गिरिडीह प्रखंड का यह पूर्वी इलाका और पीरटाण प्रखंड सड़कों और आवागमन के साधनों की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा था। हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि जहाँ तक संभव हो सके सड़कों का निर्माण हो और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को जिला मुख्यालय आने में। धनबाद जिले के टुंडी प्रखंड क्षेत्र के कमारडी पंचायत के कमारडी से खांखूडी भाया पीपरटांड तक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से बन रहे सड़क निर्माण कार्य का टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने शिलान्यास किया। टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने बताया कि आम जनों को जर्जर सड़क होने के कारण आवागमन में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था, जिसको संज्ञान में लेते हुए लगभग 4 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया जा रहा है। टुंडी विधानसभा का टुंडी प्रखंड अंतर्गत कामारडी खाखू पथ का आज शिलान्यास हुआ। ये काम जो है ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा किया जाएगा और यह वो काफ़ी महत्वपूर्ण पथ है, इसमें काफ़ी संख्या में लोग आवागमन करते हैं और आज तक यह पथ बना नहीं था, पहला बार यह पथ बन रहा है और इस पथ को बनने से यहाँ की जनता में काफ़ी खुशी है, इसको आप देख सकते हैं। और फिलहाल और भी कई पथ अभी निकला हुआ है, टेंडर हुआ है, बहुत जल्द दर्जनों पथ यहाँ बनने वाले हैं और अभी आधा दर्जन टेंडर भी हो चुका है। पुल आवागमन के जो भी खामी था एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड में जाने के लिए वो भी हुआ और कम से कम 3 ऐसा पथ है जिसमें 150 करोड़ से भी अधिक टुंडी विधानसभा में RCD का पथ। झारखंड में 2 दिनों तक इंटरनेट बंद के फैसले पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रेस वार्ता के जरिए हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जब कश्मीर में इंटरनेट बंद किया जाता था तब विपक्ष कहता था कि बोलने की आज़ादी पाबंदी लगाई जा रही है, जबकि यहां इंटरनेट बंद करने का फैसला पत्थरबाजों और आतंकवादी पर लगाम लगाने के लिए किया जाता था, जिसका परिणाम यह है कि आज कश्मीर में शांति है।
वहीं दूसरी ओर झारखंड की सरकार ने युवाओं को ठगने का काम किया है और जाते जाते ठग रहे हैं। ये सरकार युवाओं को छल रही है। इंटरनेट बंद करके छात्रों को परेशान किया गया। 31% जो छात्र जो अनुपस्थित रहे, इसका कारण इंटरनेट है या सरकार नहीं चला पा रहे हैं, एक परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं। इस फैसले से हेमंत सरकार की जग हसाई हुई है और इस सरकार का जाना तय है। यहां पर झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सरकार जिन्होंने हर बार युवाओं को छला, जाते जाते भी छल के जा रहे हैं। अब तो विदाई हो रही है इनकी, तय है उसको तो कोई, किंतु जाते जाते छल लिया, अविश्वास हो गया छात्रों पे, अपने बच्चों पे अविश्वास कि इंटरनेट बंद कर दो। ये तो अजीबो गरीब फैसला, दिमागी दिवालियापन कि हमारे बच्चे जो पूरे झारखंड से आएंगे वो रेलवे टिकट कैसे हटाएंगे? कोई दुमका से आ रहा रांची में कहां सेंटर है वह जरा कैसे पता करेगा? आजकल तो बच्चे हैं, गूगल से सर्च किया और लोकेशन डाला, पहुंच गए। आज जो मीडिया में आया कि 31% छात्र नदारत रहे, क्यों नदारत रहे? आपके बदौलत, ये दोषी आप हैं। आपने युवाओं के साथ छल किया, आपने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, तभी 31% जो छात्र हैं वो एग्जाम हॉल तक नहीं पहुंच पाए, ट्रेन की टिकट नहीं मिलनी है। आजकल घरों में पैसा नहीं होता, सबके पास कार्ड होता है, बच्चे जाएं कैसे? खाना भी नहीं खा पाए कि पैसा कहां से देंगे, लोकेशन भी नहीं पता पड़ पाए कि जाएं कहां। इसका मतलब आप सरकार चलाने में अक्षम हैं, आपने स्वीकार कर लिया, आप एक इम्तिहान नहीं करा पा रहे हो और आपने खुद ही अपनी कमजोरी देश और दुनिया के सामने प्रकट कर दी। इससे जगह हसाई हुई आपकी, कोई शाबाशी नहीं हुई मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी पूरे झारखंड के 81 विधानसभा में परिवर्तन यात्रा निकाल रही। इसी कड़ी में आज साहिबगंज जिले के राजमहल पाकुड़ बरहेट विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन यात्रा पहुंची। परिवर्तन यात्रा रथ में भाजपा के गोड्डा विधायक अमित मंडल, राजमहल विधायक अनंत ओझा सहित कई नेता मौजूद रहे। वहीं विधायक अनंत कुमार ओझा ने कहा कि यह यात्रा राज्य की हेमंत सरकार के विरोध में निकाली गई है। यह यात्रा बरहरवा के आरएसएस के नगर कार्यवाह अनुराग आनंद पर पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में हो रही है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पूरी तरह से निष्ठुर हो चुकी है। भाजपा आरएसएस एवं अन्य हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर निशाना बनाया जा रहा है। अब समय आ गया है कि हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकने को लेकर सभी लोग एकत्रित हो जाएं। यह जो रथ यात्रा निकली है पूरे 81 विधानसभा के लिए और संथाल परगना के जितने भी सीट हैं, क्या भाजपा इस रथ के माध्यम से मिशन को कितना अपने और कर पाएगी? देखिए, आज जो संथाल परगना के हालात है, एक तरफ जेएमएम कांग्रेस राजद गठबंधन की सरकार और उस सरकार के अगुआ नेतृत्व कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार ने, उस सरकार के द्वारा जो वोट बैंक की राजनीति के लिए जो तुष्टिकरण को पोषित करने वाले कृत्य किए जा रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर मौन समर्थन हासिल है। जिस प्रकार से देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने संथाल की माटी से भोगनाडी के माटी को नमन करके सिद्धो कानू के वंशजों को प्रणाम करके और साहेबगंज की जनसभा में जो उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ जो आगाज किया है और उन्होंने सीधा और स्पष्ट शब्दों में इस भाव को कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम एनआरसी लाएंगे और चुन चुन करके एक एक बांग्लादेशियों को भारत की भूमि से खाली कराने का काम करेंगे। यह यात्रा परिवर्तन यात्रा सरकार के खिलाफ उस आगाज को प्रदर्शित करता है। धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन में 2023-24 के टॉप क्रिकेटरों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे झरिया विधायक ने कहा कि क्रिकेट देश दुनिया में प्रचलित गेम है, इसके अलावा अन्य खेलों को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। वहीं डीसी अध्यक्ष मनोज कुमार ने झरिया विधायक का धन्यवाद करते हुए कहा कि
जे लगोरा स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए विधायक के प्रयास से 2,19,00,000 का टेंडर निकल चुका है और बहुत जल्द उक्त स्टेडियम में खेलों का आयोजन हो सकेगा। आज हम लोग का एनुअल फंक्शन था, इसमें 2023-24 के जो परफॉर्मर थे, जो टीम चैंपियन हुई थी, रनर्स हुई थी, उनको हम लोगों ने सम्मानित किया। ये एक ऐसा मंच है जहाँ खिलाड़ी आके ये पूछते हैं कि ये मैं मेहनत किया उसका हमको फल मिला। साथ में जो हमारे गेस्ट आते हैं उनसे वो काफ़ी मोटिवेट होते हैं। खिलाड़ियों के अलावे जो भी लोग हम लोग को सहयोग करते हैं उनके प्रति हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। मैडम ने अभी जो विधायक पूर्णिमा सिंह जी उनके प्रयास से अल्गोड़ा का जीर्णोद्धार हो रहा है, करीब 2,19,00,000 का टेंडर निकल चुका है। हमें आशा है कि उस मैदान में हम लोग फर्स्ट क्लास मैच जल्दी कर पाएँ और एक कांको में मैदान डेवलप हो रहा है जिसका MOU हो गया है, उसमें हम लोग का इसी वर्ष मार्च से प्रयास है कि डिस्ट्रिक्ट मैच हम लोग कराएँ और अगले वर्ष से हम लोग का प्रयास होगा कि बोर्ड का कोई भी मैच वहाँ पर कराएँ। तो आज धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन का जो है वार्षिक समारोह था जहां पर सभी बच्चों को जो है एक अवार्ड सेरेमनी हुई, उनको प्रोत्साहन राशि मिली, वो प्रोत्साहित किया गया जो साल भर जिस तरीके का रिजल्ट आया। धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने वार्षिक समारोह बहुत अच्छी तरीके से किया। विभिन्न जितने भी बच्चे हमारे हैं पूरे धनबाद के और एसोसिएशन से जुड़े हुए उन सभी को सम्मानित करने के साथ साथ जो है एसोसिएशन ने अपना एक बुक रिलीज़ की जिसमें उन्होंने साल भर क्या किया है, मुझे लगता है बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को किया और ये भी बताया साथ में कि हमने साल भर क्या किया है और हमारा आगे का चैलेंज क्या है। मेरे पास जो एक चैलेंज एसोसिएशन की तरफ से था वो था ग्राउंड का, और आपको पता है कि किसी भी मुझे लगता है पूरे झारखंड के 24 जिलों में सबसे अच्छी क्रिकेट एसोसिएशन अगर किसी जिले की होगी तो वो धनबाद की होगी। तो यहाँ पर चैलेंज क्या है कि अगर आपके पास इक्विपमेंट, आपके पास खेलने के लिए जो चीज़ें चाहिए और ग्राउंड जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सेफ्टी सिक्योरिटी, क्योंकि लड़कों के साथ अब लड़कियाँ भी खेलने लगी हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एसोसिएशन ने एक डिमांड की थी कि आप किसी तरीके से जो स्टेडियम आपके यहाँ अवेलेबल है जीएलगोड़ा का, जो कोल इंडिया का सो कॉल्ड स्टेडियम है, उसकी जर्जर स्थिति है और उसको बनवाइए, उसको करवाइए, उसके लिए कुछ कीजिए। तो एक प्रयास था और वो प्रयास आज रंग लाया है, उसमें उस खुशी को भी मैं साथ में